गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल आशीष कुनीता व्लॉग। और ये भी उठ गए हैं। कैसा इनका जो बाल हो गया है ना, समझ में नहीं आ रहा ये बाल कब तक बढ़ेगा। गले में कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपको? बहुत। तो तनिषा सोई हुई है और वो क्या उधर उसको फुलाती हूँ मैं अपने तरफ और ये पोकसा के इधर आ जाती है ना। अगर मैं नहीं रहूंगा तो नीचे आ जाएगी। तो ये अजीब तरीके से सोती है, मतलब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि रात में शायद ये ना ऐसे उसको उधर घसका रहते हैं। घसा रहते हैं आप क्या? पूरा इधर आके चिपक जाती है इनके ऊपर, उधर मुझे पूरा जगह स्पेस मिल जाता है सोने का बढ़िया वाला। खुद अपने भी तो सोते हैं तो तुम सर उधर रहेगा पैर रहेगा इसको ना। अरे देखिए अब क्या होता है ना कि ये इतना इधर घसक जाती तो स्पेस ज्यादा रहता है तो मैं भी इधर घसक जाती हूँ। अब नींद में थोड़ा समझ में आता है कि मैं कहाँ सोई थी, जगह रहता है तो समझ में आता है कि तनु यहाँ है यानी कि मेरा सीट यही है। अब तनु यहाँ आ गई है तो मुझे क्या पता कि ये कहाँ है। अभी ये लोग सोए हुए थे, मुझे मन कर रहा था ना कि एक फोटो क्लिक करने का। दोनों एक ही पोज में सोए हुए थे, मतलब जैसे ये सोए थे वो भी वैसे ही सोई हुई थी। तो ये लोग सोने का तरीका दोनों का ना एकदम सेम ही है। हाँ ऐसे ही सोई हुई थी, देखिए सेम टू सेम वो भी ऐसे ही, इधर एक हाथ और एक हाथ ऐसे था उनका और मुंह ऐसे ही था जैसे इसका है। तो एकदम दोनों ना बेटी और पापा का जो है सोने का तरीका एकदम टू कॉपी सेम। देखिए क्या है जी, बहुत शांत शांत रहते हैं आजकल यहाँ पे, सब शांति शांति है। डॉक्टर कोई प्रॉब्लम है क्या? हुँ? कोई समस्या? क्या समस्या है आपको? ओह आराम से देखिए, देखिए तो इसको इस लड़की को देख लीजिए लोग, ध्यान से ध्यान से देखिए, ध्यान से। 8 बजे इसके टाइम टेबल के हिसाब से 8 बज रहा है अभी। देखो घर ही देखिए सभी लोग, एकदम एग्जैक्ट 8 बज रहा है और ये टाइम टेबल बनाई है अपना यहाँ पर 8 बजे जगने का। हाँ बेटू बेटू 8 बज रहा है, तनु उठना है ना। अरे ये क्लिप लगा के सोइए, क्लिप निकाल दीजिए इसके सर में से। देखिए तो अभी सुबह सुबह मुझे डालना है प्लांट में पानी और ये है यहाँ और वहाँ बकेट भर रहा है और ये उठा के लाएंगे बकेट में से पानी। अब पता नहीं क्यों पेट में दर्द होने लगता है, बकेट में कुछ भी उठाते हैं ज़्यादा भारी तो ले आई भर गया पहुँचा दीजिए बालकनी में। अभी मुझे लगभग कुछ दिनों से ना इतना ज़्यादा सुबह सुबह पेट में दर्द हो रहा है। भारी सामान उठाने से पता नहीं पेट में दर्द हो जाता है मुझे। इधर तनु भी हमेशा सो के उठेगी और गोद में चढ़ जाती है, पता नहीं क्यों हो रहा है। हे गुड मॉर्निंग। तो अब मैं उठ चुका हूँ अच्छे से, पानी पी लिया मैंने जो वाइफ ने दी थी, अब चाय रखा हुआ है और ये क्या आप अच्छे से पी हो गया ना, क्योंकि आपको चाय मिल गया। हाँ क्योंकि मैं अच्छे से इसलिए उठ गया हूँ कि मुझे चाय मिली है और ये जो है ना चाय देने के बाद गई है अपना काम करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ बालकनी में दिखाता हूँ आपको। चाय पी रहे हैं क्या कर रहे हैं जी? चाय पी रहे हैं क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। चाय में पिए कहाँ? देखिए गलती से कहीं पानी की जगह चाय में डाल दीजिएगा पौधे में। ऐसी गलती नहीं होगी मेरे से, ठीक है? इतना बुरा चाय पी करके सबका एकदम पेड़ का हालत खराब हो जाए पौधे का। फिर कोई गमला लाएंगे क्या जी? फिर कोई गमला लाए हैं क्या? आपको नया नहीं दिख रहा है?
हर दिन जो है ना जाती है नीचे से कुछ चुरा चुरा के ले आती है। आप ही चोर होंगे समझे ना, फालतू का बकवास मत कीजिएगा। चोरनी है चोरनी, हाँ देंगे ना मैं। ये जाती है नीचे, देते है ना जितने ये गार्डन में जितने भी जितने सोसाइटी में होते हैं ना, ये मालिक हो जाके ये लोग धमकाती है। और वो कोई कोई ऐसा पौधा ही नहीं है यहाँ पर जो नीचे से ले, ले आया हुआ है, एक भी नहीं है। पूरा घर को जंगल बना दीजिए। कौन सा है नया वाला? आप देखिए पता नहीं, आप भी इसी फिल्म रहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर लोग समझ जाएंगे कौन सा नया है। आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सा है? ये वाला, ये जो सफाई डालते हैं। हाँ कल लेकर आया है इसको। अब ये क्या नीचे आपको मिलेगा गमला के साथ? हाँ सब मिलता है। ये आप लोग इसके बाद में मत जाइएगा दोस्तों, ये है ये बड़ी वाली आजकल जो है ना ये क्या आजकल क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं आजकल आजकल क्या जो है सो है, फालतू का बकवास नहीं। सुबह सुबह दोस्तों ये मॉर्निंग की जो धूप है ना हमारे बालकनी में काफी अच्छा आता है, खास करके ठंडी के दिन, मतलब काफी मतलब सॉफ्ट धूप जो होता है ना जो ठंडी में अच्छी लगती है, तो वो चीज आती है हमारे बालकनी में और अच्छा लगता है। देखिए कितना धूप है हमारे बालकनी में। धूप काफी अच्छा है। हो गया कितना पानी डालिएगा? सारी गमले के लिए ना गेट लाना होगा। क्या लाना होगा? अब काउंट कर लीजिए कितना गमला है सारे के लिए, एक एक प्लेट नीचे प्लेट रहता है ना उस पानी बाहर नहीं आता है। सारे गमले के लिए एक एक प्लेट, कटोरी और चम्मच है ही। तो प्लेट कटोरी और चम्मच गमले के साथ दूसरा क्या काम है? तो मतलब आप क्या पानी के साथ साथ क्या उसको रसगुल्ला भी दीजिएगा? अरे ये जो पानी बाहर निकल रहा है अब उसमें पैर मत लगाइए, पूरा आप फर्श काला कर दीजिएगा। काली काली वो पानी बाहर आ जाता है ना, फिर पोछा लगाओ इसके लिए। आप चाय पी भी लीजिए, चाय ठंडा हो जाएगा। कौन बुरा ठंडा करने आपको? ये गुलाब को कटिंग करना पड़ेगा ये वाला। देखिए इसमें फ्रेंड्स सामने से दिखाइए, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें से कली आने लगा। ये है अंग्रेजी, नहीं अंग्रेजी देसी विदेशी विदेशी, यहाँ रोज कली आया है। एक कली यहाँ है इसमें और एक कली यहाँ है, तो मजा आ गया। ये अभी 5-6 दिनों में मुझे लगता है 3-3 खिलेगा एकदम रेड वाला। और ये कला और मैं इसमें से तोड़ के ले जाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड को देने। आपको कोई परेशानी? हम क्या परेशानी? 3 फूल खिलेगा वो भी रेड। तो खाली फूल को गमला उठा के ले जाइए, पूरा दे दीजिए, जितना खिलेगा लेते रहना। इतना मेहनत कीजिए, खिलेगा तोड़िएगा ले जाइएगा, पूरा गमला उठा के पकड़ा दीजिए उसके हाथ में। यहाँ भी आ रहा है और ये तो बड़ा ही हो गया दिख रहा है दूर से। इसका अभी मैं ध्यान नहीं दी हूँ, इसमें अभी कटिंग करना बाकी है, कटिंग करना इसमें अभी नहीं आ रहा है कहीं, शायद एक यहाँ से आ सकता है, दिख तो नहीं रहा है। ये देखिए मनी प्लांट, ये देखिए ये भी मनी प्लांट काफी अच्छा ग्रोथ है। पता नहीं कब आएगा इसमें बीच में रखने वाला डंडा। तो ये वाला गेंदा का पौधा मैं कल लेकर आई हूँ, ये वाला और ये पहले का है गेंदा का। तो ये है मेरी बालकनी। टन टन, अरे ये कौन आ गया? और गैस पे मेरा अरबी उबल रहा है, आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी की सब्जी। ये हो गया होगा अभी, आज है संडे,
और तनीसा सो रही है। अब संडे को कोई उसे उठाने नहीं जाएगा, वरना ये चाय 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 ओहो ओहो। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, बाबू तनु गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगी अभी ये। इनका संडे को छुट्टी रहता तो कितना अच्छा रहता। ये अलग ही दुनिया के इंसान है, इनका पता नहीं हर चीज अलग ही समय में रहता है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी मछलियां। अभी एक इंसिडेंट मतलब हुआ मेरे ना जुकाम की वजह से, ये कान जो है काफी दिनों से बंद था, अभी अचानक फिर टप से ऐसे करके खुला, मजा आ गया। अब तो लग रहा है कि वाओ 3D साउंड। तो मैं दिखाता हूँ आपको हमारी मछलियां और एक नया चीज। ये जो है ये भाई, अच्छा हाँ ये दो शार्क मछली, ये जो है हमेशा मतलब पता नहीं क्या ढूंढते रहती है, और ये दोनों मस्त रहती है। हाँ, और ये तो जूली है ना। ये है जूली। अरे ये देखिए ये बाम्बू ट्री, अभी तक जो है ये जो है हमेशा मेरे हर काम में हर चीज में उंगली करते रहती थी। उससे मन नहीं भरा बांस लेके आई है, मतलब सॉरी बाम्बू लेके आई है। ये बाम्बू ट्री है, तो इसका जो है ना मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब जब ये बाहर जाएगी कुछ ना कुछ उठा के लाएगी। वो लाई है फ्लावर, वो क्या कहते हैं जो आपने बालकनी में देखा अभी, और अभी ये एक लाई है बाम्बू ट्री। खैर अच्छा ये घर के लिए तो खैर बढ़िया होता है, शुभ होता है, लोग कहते हैं कि बाम्बू ट्री घर में होना चाहिए। ये सरोजनी से लिखा है। कहाँ से लेके आए थे? सरोजनी से। सरोजनी कुछ बोली नहीं? सोचिए ये मतलब ग्लास का ये बाउल सब लेकर आए, कितना संभाल के लाए। आपको हम संभाल के लाए वहाँ पुकारो से यहाँ, वो सोचिए। मैं खुद ही आई हूँ, आप लेकर नहीं आए। अच्छा अच्छा क्या अच्छा आप लेकर आए थे? कब आए थे नोएडा में? कब आए हैं आप? नोएडा में हम आए हैं 2015 में, 2 जून 2015। और आज कितना है? वहां से अकेले तो 6 साल कौन संभाला। इतने बड़े शहर में अगर गुम हो जाते तो अप्रैल में भाग आए थे यहाँ हमको छोड़ के, किसे छुटकारा मिला इससे। बाप रे वो दिन, ओह तो 6 साल से मैं उसको नोएडा में संभाल के रखा हूं। था मेरे से इसलिए वहां से बातें आ रही है। 6 साल, दो महीने मुझे लगा ये सोचने में क्या कि ये आदमी कहाँ है, और फाइनली मैं आई हूँ 2 जून 2015 में। इनको पता, जब इनको पता लगा कि अच्छा ये नोएडा में रहते हैं, और तब जाके मैं गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बंजारा, यही गाना गाते गाते आई थी। आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशीष आवा। हो गया ये एप्रन। ओ तो अब ये जो है सरोजनी नगर गई थी, वहां से एप्रन खरीद के लाई है, तो अब खाना बनाने समय एप्रन पहनती है। ताकि ड्रेस गंदा ना हो। विचार गंदे हो सकते हैं लेकिन ड्रेस गंदा नहीं हो सकता है। ये फायदा है एप्रन का, तो आप भी अपने घर में एप्रन पहन के खाना बनाइए। चलिए अब मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं भी निकलूँ ऑफिस, बहुत हो गई बकलोली। बाय। नौटंकी कुछ खिलाइएगा टेस्टी सा। अब खिला नहीं दिए, मुरमुरा नहीं खाए क्या? तो मुरमुरा तो यार डेली खाते हैं। मिर्ची डाल टेस्टी तो बना ही दिए थे चटपटा। फ्रेंड्स मैं करीब 4-5 दिन से बोल रहा हूँ कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, अच्छा खाने का मन कर रहा है। अच्छा तो बोल रहे हैं मतलब कुछ बनाओ कुछ बनाओ, तो डेली डेली मुंह बना के बैठ जाती है। अभी मैं बोल रहा हूँ कुछ बनाओ तो मुंह बना के बैठ गई है। तो मुंह देख लीजिए मेरा, मुंह से बैठ लीजिए। कुछ बनाना है क्या? खाइएगा, 4 दिन से दिमाग खा रहे हैं मेरा। डोसा बनाओ डोसा बनाओ डोसा बनाओ। दीपावली का समय है, घर साफ करना है, बाहर काम है, क्या क्या मैनेज करें कुछ समझ ही नहीं आता। सर में दर्द होने लगा है मेरा, बस घर आओ तो डोसा इडली वड़ा। मुंह इनका इतना मुंह में कंट्रोल ही नहीं है। सुना तो दिया इतना कुछ लेकिन बनाते कभी कुछ है नहीं।
नहीं तो अपने आप ही खा लेते। कभी मतलब ये भी नहीं होता है कि कभी डोसा इडली कभी बोले तो बना के खिला भी दे। अभी इडली बनाए थे ना फ्रेंड्स, घंटा बनाए थे, एक सप्ताह पहले ही बनाया है। एक सप्ताह सोचिए, 7 दिन हो गया, 7 दिन का 8-9 दिन हो गया। याददाश्त उनका कमजोर है। है जब टेस्टी टेस्टी नहीं खिलाई हो तो याददाश्त कर क्या कहते हैं मजबूत करके ही क्या करेंगे। बुरा चीज मतलब बुरा क्या कहते हैं उसको, बुरा तो क्या बोलते हैं उसको, बुरा वाक्य कोई जो है याद रखना चाहता है क्या? अच्छा चीज खिलाएगा तो मैं याद रहेगा कि हाँ वाह कोई अच्छा चीज खाए हैं, याद रहेगा। चलिए बना लेते हैं, लेकर आइए। क्या मुर्गा? अभी आपका मुर्गी बना देंगे। तो डोसा खाइएगा, देख रहे हैं डोसा खाइएगा। ये सूर्य का मुंह क्या बनाया? जाइए लेकर आइए, वो बैटर वाला तो वो खत्म हो चुका है। किसका? तो फ्रेंड्स ये डिमांड कर रहे हैं डोसा बनाने का, और कितना लेट हो गया है रात का, अभी से बनाएंगे डोसा। तो जाइए लेकर आइए, जो बैटर होता है वो लेकर आइए, MTR वाला जो आता है उसी का मैं बना देती हूँ जल्दी, झटपट डोसा बन जाता है। मसाला जा रही हूँ बनाने, अब आलू का जो मसाला होता है और उसके साथ सांभर चटनी। तो अभी ये जा रहे हैं लेकर आते हैं, उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग यहीं पर आज का ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद जो भी डोसा वाला ब्लॉग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करूँगी। तो बाय बाय।